भाई सबसे पहले बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी किए गए 12वीं साइंस और कॉमर्स के रिजल्ट की। तो बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि इस बार भी दोनों वर्गों में बेटियों ने ही बाजी मारी है और साइंस में 91.59% लड़के पास हुए हैं, वहीं 95.86% लड़कियां पास हुई हैं और इस तरह कॉमर्स में 89.40% छात्र पास हुए हैं जबकि छात्राओं का प्रतिशत 95.31 रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के लिए दिन रात मेहनत की और इसी का नतीजा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार 8 दिन पहले रिजल्ट जारी कर दिया गया। हालांकि मेरिट इस बार भी नहीं निकाली गई लेकिन शिक्षा मंत्री ने मेरिट लिस्ट फिर जारी करने की इच्छा जाहिर की है जिसके चलते अगले साल से बोर्ड फिर से मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है। बारहवीं की कॉमर्स का रिजल्ट आउट हो गया है और इस बार फिर एक बार छात्राओं ने ही बाजी मारी है और इसको लेकर खुशी का माहौल देखा जा रहा है अभिभावकों में भी। ईयर 2018-19 के साइंस और कॉमर्स 12th साइंस एंड 12th कॉमर्स का रिजल्ट घोषित किया गया है। मैं साइंस के बारे में पहले बताना चाहूँगी। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे 2,60,582, अपियर हुए 2,57,719, बॉयज़ का पास परसेंटेज रहा 91.59, गर्ल्स का पास परसेंटेज रहा 95.86, दैट इज़ गर्ल्स बेटर रही हैं और टोटल पास परसेंटेज हमारा रहा है 92.88। और ये रिजल्ट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है कि ये खुशी और गर्व की बात है कि 12वीं राजस्थान बोर्ड साइंस और कॉमर्स की परीक्षा में लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन सभी छात्रों को बधाई जिन्होंने परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं और मेरी शुभकामनाएं आपके भावी प्रयासों के लिए आप सभी के साथ हैं। वहीं जयपुर के माहेश्वरी स्कूल के छात्र पुनीत माहेश्वरी ने विज्ञान वर्ग में 99% अंक हासिल किए हैं। पुनीत माहेश्वरी ने भविष्य में आईएएस बनने की इच्छा जाहिर की है और उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी मदन कलाल ने। इस वक्त हमारे साथ हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साइंस के टॉपर्स में शामिल पुनीत माहेश्वरी, जिन्होंने 99% अंक हासिल किए हैं और पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन किया। इस वक्त उनके मम्मी पापा हैं जो अपने बेटे का सम्मान कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं उन्हें और उनकी सफलता पर बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं। इस वक्त पूरा माहेश्वरी स्कूल का जो पूरा मैनेजमेंट है वो भी सम्मान कर रहा है पुनीत का और लगातार बधाइयों का दौर है जो पुनीत को मिल रहा है। पुनीत, ये सफलता कैसे हासिल की, कितनी पढ़ाई की आपने? रेगुलरली स्टडी की है 6 to 7 hours और जो भी आप दे सकते हैं और एक्स्ट्रा टाइम अगर आपके पास है तो आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। पुनीत, 99% नंबर कितनी उम्मीद थी, कहाँ तक पहुँच पाएंगे और कितना खुश हैं? उम्मीद तो थी कि 95+ आ सकते हैं लेकिन इतनी उम्मीद थी नहीं। आगे का क्या प्लान है पुनीत? आगे मैं बीटेक करना चाहता हूं और उसके बाद आईएएस सर्विसेज में जाना चाहता हूं। पुनीत, वो बच्चे जो 12th की तैयारी कर रहे हैं इस सेशन में या आने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि वो उनके लिए आप आज रोल मॉडल बन गए? जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए बस यही कि वो अपना स्टडी रेगुलर रखें, डे मिस ना करें और जो टीचर्स बोल रहे हैं ब्लाइंडली फॉलो कीजिए बस, और आप सक्सेस पर मिल जाएंगे। अपने टेस्ट को पूरा ढंग से दीजिए, तैयारी पूरी रखिए। पुनीत, एक राजस्थान बोर्ड ने मेरिट लिस्ट जो पिछले 3-4 साल पहले जो मेरिट लिस्ट का ट्रेंड था उसे ख़त्म कर दिया, आज आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मेरिट लिस्ट होती तो बिल्कुल क्लियरली लगता कि पुनीत राजस्थान का नंबर 1 नंबर 2? नहीं, ये एक साइड से सोचे तो बहुत सही भी है क्योंकि मेरिट लिस्ट बंद कर दी है, इससे डीमोटिवेट नहीं होते हैं बच्चे और वो फायदेमंद है बहुत क्योंकि आगे बच्चे अपना फुल परफॉर्म कर पाते हैं। इस वक्त हमारे साथ में उनके मम्मी पापा भी हैं, मम्मी पापा से बात करेंगे, पुनीत के मम्मी पापा जिन्होंने बहुत मेहनत की है पुनीत को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। जी, आपका क्या नाम है, कैसे तैयार किया पुनीत को इस मुकाम हासिल करने के लिए? मेरा नाम हंसा है,
और ऐसा कुछ ज़्यादा सब नहीं करना पड़ा इसको तैयार करने के लिए, शुरू से सेल्फ स्टडी पे है तो ये अपनी सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही आज यहाँ तक पहुँचा है। पापा बहुत खुश हैं, शायद आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे हैं शायद। ठीक है सर, इस मेहनत के हिसाब से इतने किया है। हाँ हाँ। ऐसा हमारा कोई सपोर्ट ऐसा नहीं है कि भाई कोई स्पेशल कोई तैयार किया हो। आपको लग रहा था कि पुनीत एक दिन ये टारगेट हासिल करेगा और आईएएस बनने का जो टारगेट है वो भी एक दिन हासिल कर लेगा? करेगा सर बिल्कुल, अगर इसी लगन से करेगा तो बिल्कुल करेगा। स्कूल मैनेजमेंट से जुड़े तमाम जो पदाधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनके चेहरे आप देख सकते हैं किस तरह से खुश हैं। जी कितनी खुशी है। आज तो हम माहेश्वरी समाज के उन पूर्वजों को धन्यवाद देंगे जिन्होंने 1936 में इसकी नींव रखी कि कम से कम पैसे में और उच्च शिक्षा देना, और आज ये पुनीत उसी का एक उदाहरण है कि आज ये अपने सब शिक्षकों के लिए इतनी मन से धन्यवाद दे रहा है। तो हम भी गौरवान्वित हैं कि हमारे शिक्षक बहुत सपोर्टिव हैं और सारा इतना बढ़िया रिजल्ट दिया है इस पुनीत ने कि ये जिस दिन भी आईएएस बन के आएगा उस दिन यहाँ पर इसी ग्राउंड में इसका बहुत बड़ा सम्मान किया जाएगा। क्या महसूस कर रहे हैं सर? हाँ जी, बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू पुनीत एंड देयर प्राउड पेरेंट्स एंड टू ऑल स्टूडेंट्स। तो इस वक्त स्कूल में बहुत ही खुशी का माहौल है, मिठाइयों का दौर चल रहा है, मालाएं पहनाई जा रही हैं टॉपर्स को, और पुनीत के जो साथी है वो भी बहुत खुश है कि उनके बीच में एक राजस्थान का टॉप मोस्ट स्टूडेंट आज उनके बीच में खड़ा है। माहेश्वरी स्कूल आज अपने इस स्टूडेंट पर गर्व महसूस कर रहा है। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मदन कलाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।